अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और भाइयों, क्या हालचाल है? सऊदी अरब में यहाँ पे सुबह के 8:30 बज चुके हैं अभी, और बहुत बारिश हुई है कल से इधर, और अभी तक बारिश हो रही है। कल रात से ही धीरे धीरे बारिश हो रही है, और अभी तक बारिश का मौसम है। आज भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, और कैसे बनाया जाता है, कैसे अप्लाई करा जाता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वो सब आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात भाई, जब भी आप सऊदी अरब आएँ तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का साथ में लेके आएँ, क्योंकि आपका इंडिया का लाइसेंस होगा तो आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट तुमको ड्राइविंग लाइसेंस बना दे। पहले वो लोग ट्रायल देते हैं, मतलब क्लास देते हैं, मदरसा देते हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आपको मदरसा 2-3 दिन का मिल सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो 6-7 दिन का मिल सकता है मदरसा, 1 वीक का मिल सकता है। तो उसमें आपका नुकसान ये है कि एक जितना कम मदरसा, जितनी कम ट्रायल होगी, जितना ड्राइविंग स्कूल कम होगा, उतना आपका पैसा कम खर्चा होगा। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खर्चा होगा। 1 वीक का कुछ 450 रियाल तक लेते हैं ये लोग, जो ट्रेनिंग स्कूल देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं आपको। और 2-3 दिन में तुम्हारा 250 रियाल में काम हो जाएगा, और जल्दी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है भाई, तो आप जब भी आएँ अपनी इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ में लेके आएँ, और ओरिजिनल लेके आएँ, डुप्लीकेट मत लाना। डुप्लीकेट का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है भाई। ओरिजिनल लाइसेंस लेके आना। उसके बाद जब आप इधर आते हो, लाइसेंस अपना लेके आते हो, तो आप जब भी जाते हो तो वो आपको ट्रेनिंग स्कूल देंगे, जितने भी दिन की दें आपके हिसाब से, जितने भी दिन की देंगे वो ट्रेनिंग स्कूल होगी, आपकी क्लास होगी। क्लास के बाद फिर फाइनल ट्राई होगी। फाइनल ट्राई के बाद अगर उस ट्रायल में आप फेल हो गए तो वापस से फिर ट्रेनिंग स्कूल लेनी पड़ेगी। मतलब आपकी क्लासेस 3 दिन की है, 3 दिन तक, 2 दिन तक आपको सिखाएंगे वो, फिर 3रे दिन फाइनल ट्रायल लेंगे कि हमने सिखाया है तो इन्होंने क्या सीखा। अगर उसमें आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो वापस से आपको फिर से लेना पड़ेगा मदरसा। तो इसके लिए जब भी ट्रायल दें तो बहुत इत्मीनान से, शांति से ट्रायल दें, कोई उतावल ना करें, क्योंकि एक गलती आपको वापस रिवर्स गियर कर सकती है, समझे भाई। ट्रायल होती है, ट्रायल में अगर आप पास हो जाते हैं फिर उसके बाद कंप्यूटर की एग्ज़ाम होती है, जैसे अपने इंडिया में होती है, सेम टू सेम वैसी एग्ज़ाम होती है। कुछ डिफरेंस होते हैं बस, बाकी सेम वही होता है उस। और आप कोई भी लैंग्वेज में सिलेक्ट कर सकते हो उसको, अरबी, इंग्लिश, हिंदी, जैसे भी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप सिलेक्शन कर सकते हो उसको। अगर आप समझो उसको पास कर लेते हो कंप्यूटर के एग्ज़ाम को, फिर आपको स्लिप दे देते हैं कि भाई जाओ दूसरे दिन आना और अपना लाइसेंस लेके चले जाना। यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेट या लर्निंग लाइसेंस नहीं मिलता, डायरेक्ट ओरिजिनल लाइसेंस देते हैं ये लोग। तो दूसरे दिन आके आपको तुम्हारा लाइसेंस दे देते हैं, ठीक है भाई। और उसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं, फिर वो पूछते हैं कितनी साल का आपको लाइसेंस बनवाना है, 10 साल का, 5 साल का। 5 साल के कुछ 250-300 रियाल होते हैं, 10 साल के कुछ 400-500 रियाल होते हैं। तो जैसा भी आपको बनाना हो आप उधर बोल देना कि भाई हमको ऐसा बनाना है। मोस्टली लोग यहाँ पे 10 साल का ही बनाते हैं, क्योंकि एक बार में झंझट ख़त्म कर देते हैं कि बार बार कौन बनाए। और इसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने क्या पढ़ाई की है, कितना पढ़ाई की है, डिप्लोमा की है, इंटर कॉलेज की है, जो भी किया है, ऐसा कुछ नहीं। इधर पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, आपका लाइसेंस बन जाएगा इधर। बस आप ध्यान रखें, अपना इंडिया का लाइसेंस लेके आएँ, ठीक है भाई, और गाड़ी को सीख के आएँ, थोड़ा बहुत हाथ साफ करके आएँ, जो आपको यहाँ प्रॉब्लम ना पड़े, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम पड़ सकती है आपको अगर आपको गाड़ी नहीं आती। तो गाड़ी नहीं आएगी तो आपको कफिल दूसरे काम में भी डाल सकता है, जैसे आपका ड्राइविंग का काम है, आपको ड्राइविंग ही नहीं आती तो क्या करेगा, बैठे बैठे तो सैलरी देगा नहीं आपको, तो दूसरा काम करवाएगा आपको। तो इसके लिए भाई जब भी आए तो अपना गाड़ी सीख के आए, थोड़ी बहुत ट्रायल लेके आए,
नॉलेज लेके आए और इंडिया का लाइसेंस लेके आए, ठीक है भाई। ऐसे बनता है ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब में, यह पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था, मैंने भी ऐसे ही बनाया था अपना, समझ रहे हो भाई। मैं तो फर्स्ट ट्रायल में ही पास हो गया था, तो कुछ इतना टेंशन का बात नहीं, इजी है सब। बस वो लगता है थोड़ा टेंशन, लेकिन जब बंदा आता है काम करता है तो उसको सब समझ पड़ जाती है, ठीक है भाई। और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करो, इंशाल्लाह आपका जवाब देंगे हम, ठीक है। जो भी होगा आपको हमारी नॉलेज में वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।